छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। वहीं सहकारी समिति कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से किसानों को खाद बीज लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांग है कि प्रदेश के समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, सहकारी कर्मचारियों की भांति वेतन मान दिया जाए और प्रदेश की समितियों में भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त कर समिति कर्मचारियों का संयोजन किया जाए। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 जून से गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसके चलते समितियों में खाद बीज वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है। चूंकि खरीफ सीजन शुरू हो गया है और किसानों को खाद बीज के साथ ही नगद लोन की भी जरूरत है। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा हड़ताली कर्मियों को नोटिस दिया गया है ताकि कर्मचारी वापस कार्य में लौटें और खाद बीज वितरण में तेजी आ सके। सहकारी समिति के कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो सांकेतिक प्रदर्शन 22 मई से चालू हुआ है और हमारी जो मांगे हैं जिसको हमने शासन तक भेजा था जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, इस कारण से सभी कर्मचारी आक्रोशित होकर 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश के जितने भी सहकारी समितियाँ हैं वो सभी धरनारत हैं। जाहिर सी बात है कर्मचारी हड़ताल में होने से किसानों को परेशानी होगी ही, क्योंकि अभी का समय ऐसा समय रहता है जब किसानों को खाद बीज दवाई और वर्मी कंपोस्ट है पीडीएस, चूँकि 2 महीने से, मतलब 2 महीने का अप्रैल माह में वितरण हो चुका है, 2 महीने से हितग्राहियों को राशन नहीं मिला है, तो 2 महीने के बाद उपभोक्ता दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो कृषक बंधु हैं, उपभोक्ता है, उनको परेशानी होगी। हमारी लंबित मांगों को लेकर आज गांधी मैदान में धरनारत हैं। हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं कि हम समस्त कर्मचारी को शासन स्तर पर नियमितीकरण दिया जाए और अन्य विभागों की कर्मचारियों की भांति हमको वेतन दिया जाए, और तीसरी मांग है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में रिक्त पद पर हमारे समिति कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए। यह हड़ताल 22 मई से चालू हुई है। काली पट्टी लगाकर हम समस्त कर्मचारी अपने समिति में कार्यरत थे, लेकिन ऐसा प्रदर्शन करने के बाद भी हमारे शासन को आंख नहीं खुला। इसी कारण हम 1 जून 2023 से इस गांधी मैदान में समस्त जिले के कर्मचारी यहां पे कार्य धरनारत हैं। यहां पर हम लोग को सोसाइटी वाला बोलना है, सोसाइटी के लिए खाद मिलता है जो एक सप्ताह में अपना पैसी जमा करते हैं, पैसी कटवाते हैं, उसके बाद यहाँ का जो प्रबंधक है वो हमको एक सप्ताह में दे देता है खाद, और पूरा यूरिया DP जो भी खाद मिलता है सोसाइटी से वो हमें प्रदान हो जाता है एक सप्ताह में। और सब बोलते हैं कि हड़ताल चला है तो भी यहाँ अपना कार्य करते हैं सब प्रबंधक लोग अपना, सभी मतलब जितना भी वहाँ खाद मिलता है खातू यूरिया DP पोटास वो सभी वितरण उपलब्ध है और हम लोग को सभी किसान को वितरण करते हैं। वहीं सहकारी समिति के हड़ताल पर चले जाने के मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संज्ञान लिया है। उनकी माने तो ये प्रदेश का मामला है जिस पर बातचीत चल रही है, जल्द हल निकलने की बात की गई है। अब इनका प्रदेश का इशू है और उसमें बातचीत चल रही है, जल्दी उसका हल निकलेगा। किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रहा था, मैं समझ सकता हूँ उसको, उसके लिए बातचीत लगातार चल रही है और जैसे मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसका रास्ता निकले। बहरहाल सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को खाद बीज लेने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं खाद मंत्री ने मामले में संज्ञान लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का हल आखिरकार क्या निकल कर आता है।